एकोंकार सतनाम करता पुरखो निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभंगुर प्रसाद प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हरस पावे बिरला कोए जिन चाख्या से जन तृप्ताने पूरन पुरख नहीं डोलाने सुभर परे प्रेम रस रंग उपजे चाओ साध कै संग परे सरन्यान सब त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिवलाग बड़पागी जप्या प्रभ सोए नानक नाम रते सुख हो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी दे साजे नवाजे गुरु प्रेमी दर्शक सज्जनों, आप सब दियां सीसां सहयोग ते गुरु पातशाह दियां अपार बख्शां द्वारा ये श्री सुखमनी साहब जी की लड़ीवार विचार चल रही है। असी वीवीं अष्टपदी दी विचार कर रहे हाँ, जिदे विच सतगुरां ने मनुखा जन्म नूं इस जीव की यात्रा का एक उच्चा सुचा पड़ा मनिया है। अंतम पड़ा जिदे विच इसका उद्देश है नाम सिमरन द्वारा अपने जीवन नूं प्रभु दे चरणां नाल जोड़ना, अपनी मंजिल नूं प्राप्त करना। तो जदों भी गुरसिख गुरु के मार्ग से तुर पैंदा है, भगती के मार्ग से, नाम सुनन के मार्ग से, अपने वालों सिदक नाल श्रद्धा नाल भावना नाल सिमरन में जुड़ जाता, तो फिर एक ऐसा अवसर आता है जदों वाहिगुरु की बख्शिश होंदी है, कृपा दृष्टि होंदी है। तो कृपा दृष्टि की अवस्था क्यों जी अवस्था है, उस अवस्था में कितना रस है, कितना विकास है, इसे दा वर्णन पातशाह इस पात विच कर रहे हैं। सतगुरु फरमाउंदे हैं, प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हरस पावै बिरला कोए। भगती नाम सिमरन सत्संग जदों लगातार मनुख इस रस्ते ते तुर पैंदा है तो हौली हौली उसनू नाम का रंग लगना शुरू हो जाता। रंग लागत 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 है। तो फिर जदों वो मन करके गुरु के चरणों का भोरा बन जाता, क्योंकि भगती का संबंध, नाम का संबंध, सिमरन का संबंध साढ़े मन नाल है। तो दिलों मनो हो के जदों गुरसिख भगती के मार्ग से तुर पैंदा है, फिर एक अवस्था आती है जदों प्रभु की कृपा दृष्टि होती है। तो कृपा दृष्टि नाल मन की कायाकल्प हो जाती है, मन फिर अपना मूल पछाणन वाले रस्ते ते तुर पैंदा है। तो एक अमनुपम रस मन दे विच छा जाता जिहदा स्वाद दस्या नहीं जा सकता, केवल माणिया जा सकता है। तो जदों भी प्रभु की कृपा दृष्टि होई तो बड़े ही अनुपम सुख की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रभु के नाम का रस फिर मनुख अपनी अंतरात्मा विच माणदा है। ऐसी अवस्था का जिक्र गुरु आदि गुरु साहिब श्री गुरु नानक पातशाह तनासी राग विच कर रहे हैं। नजर करे ता सिमरिया जाए आत्मा द्रवै रहै लिवलाए। पहली गल है कि उहदी बख्शिश होवे, कृपा होवे, तां ही उहदा नाम सिमरिया जा सकदा। ते जदों इंसान सिमरन दे रस्ते ते तुर पैंदा है, अपना मन जोड़ के श्रद्धा भावना नाल सिमरन शुरू कर दिंदा है, फिर आत्मा द्रव है, फिर अंतरात्मा द्रव जाती है प्रभु के नाम नाल। ते फिर उस अवस्था विचो रहे लिव लाए, अपनी लिव परमेश्वर के चरणों नाल जोड़ लैंदा है। आत्मा प्रात्मा एक करै अंतर की दुविधा अंतर मरै। फिर ये जो मनुख की जीवात्मा है ये प्रभु रूप परमात्मा नाल एक मिक हो गई,
ते अंतर दी दुविधा अंदर ही खत्म हो गई, भाव मन विच हुण किसे तरह का कोई परम भुलेखा रह ही नहीं गया, सारे ही सवालों का जवाब मिल गया। मन सहजे ही हुण प्रभु दे मार्ग ते तुर पिया, मन प्रभु नाल एकाकार हो गया। सो ये कृपा दृष्टि की अवस्था है। ये बारे जपजी साहब जी पातशाह कहिंदे नानक नजरी पाई है कूड़ी कूड़े ठीस। ये रीसां करन नाल नहीं मिलती, ये बख्शिश नाल प्राप्त होंदी है। तो जो प्रभु दे नाम सिमरन की प्राप्ति की अवस्था है वह बख्शिश की अवस्था है। जिनको नज़र करम तिनकार, नानक नदरी नज़र निहाल। ये अवस्था अखीर नाम सिमरन करन वाले अभ्यास नूं प्राप्त हो जाती है। जिन चाख्या से जन तृप्ताने, पूरन पुरख नहीं डोलाने। जिन्हां नूं ये नाम का रस आ गया, नाम का स्वाद जिन्होंने चख गया, वह पूर्ण तौर पर संतुष्ट हो जाते हैं। फिर उन्होंने मन दियां सारियां तृष्णावां वाशनावां भटकणा मुक गईयां, फिर वह अपने आप विच पूरे हो गए, पूर्ण पुरख। डिगे ना डोलै दृढ़ कर रहे हो गुर दीनो मनतानी। जदों गुरु का मंत्र दृढ़ करके अपना लिया तो हुण मन की डामाडोलता मुक गई, हुण मन टिक गया प्रभु के चरणों विच, टिक गया प्रभु के नाम विच, टिक गया सिमरन विच। एक अद्भुत स्वरूप भगती का वो माण लिया, हर वेले माणदा है। सुखमनी साहब जी महाराज इस अवस्था का जिक्र करद हो फरमाते हैं, ए हर रस पावै जन कोई, अमृत पीवै अमर सो होए। ये हर रस किसी वेले नूं प्राप्त हुंदा, पर जिन्हों प्राप्त हो जाता है अमृत का नाम रस, उन्हों अमर पद की प्राप्ति हो जाती है। फिर उस पुरख का ना ही कदे बिनास, जाके मन प्रगटे गुणतास। फिर प्रभु हिरदे विचों ही प्रगट हो जाता है, गुणा का खजाना, गुणा का सोमा प्रभु। तो ऐसे मनुख का फिर कदे नाश नहीं, भाव उसनों अपनी असलीयत की समझ आ जाती, उसनों अपनी जो आत्मा की असलीयत पता लग जाती है। ना वो मरता, ना हम डरिया, ना वो बिनसै, ना हम कड़िया, ना उस भूख नाम को भूखे, ना उस दुख नाम को दुखे। ऐसी उच्ची अवस्था मन की प्राप्त हो गई। आठ पैर हर का नाम ले, सच उपदेश सेवक को दे। फिर ऐसा मनुख, ऐसा जग्यासु अठे पैर परमेश्वर के नाम के जुड़ गया, तो वह फिर उठद्या बैठद्या प्रभु का नाम ही चितवदा है। तो जिहड़ा कोई उहदे नेड़े ढुकदा है, उहदी संगत विच आउंदा है, उसनों भी उस कोलों सच्ची प्रेरणा मिलती है, सच्चा उपदेश मिलता है। सो ऐसी है सिमरन की बख्शिश की अवस्था, नदर करम की अवस्था, जिहड़ी कि गुरु के द्वारे तो गुरसिख नूं प्राप्त होंदी है। सुपर परे प्रेम रस रंग, उपजे चाओ साधकै संग। सुपर परे फिर लबा लब प्रेम दे रस नाल ऐसे जग्यासु भरे रहिंदे हन। उन्हां दा जीवन प्रभु दे चरणा कमलां दी मिठास नाल भर जांदा। उन्हां दे जीवन विच कोई लेस मात्र भी खोट नहीं रह जांदी, कपट नहीं रह जांदा, कुड़ित्तण नहीं रह जांदी। ओ राम नाम रस नाल भरे भरपूर हो जांदे हन। तो जदों भी प्रभु के चरणा कमलों में जुड़ते हैं, सत संगत भी जुड़ते हैं, होर उत्साह होर चा उन्होंने जीवन विच व्यापदा है, उन्होंने मन होर उत्साहित होता है, तो वह होर चढ़ती कला नाल प्रभु की भगति भी जुड़ते हैं। भाई साहब भाई गुरदास अपनी 27वीं वार की 14वीं पौड़ी विच ऐसे गुरसिखां दी अवस्था का वर्णन कर रहे हैं। सिमरन दी ये नदर करम दी अवस्था है, प्राप्ति दी अवस्था है, उहदा जिक्र करदे हन भाई साहब। दर्शन देख पतंग जो ज्योति जो समावै, शब्द सुरत लिव मिरग जो अनहद लिव लावै। जिस तरह पतंगा दिवे दी लाट नूं वेखदा है अपना आपा भुल जांदा, वो दौड़ के लाट के अंदर वड़ के भस्म हो जाता,
इस तरह गुरु का सिख जदों सत्संगत रूपी सिमरन रूपी लाट विच जांदा है वह अपना आपा भुल जांदा है, अपनी हस्ती नूं मिटा दिंदा है, शब्द दे विच सुरत जोड़ के वह मिरग की तरह आनंद मई अवस्था विच पहुँच जाता है। सात संगत विच मीन होए गुरमत सुख पावै, चरण कमल विच पावर होए सुख रहण विहावै। सात संगत रूपी सरोवर विच ओ मच्छी दी तरह डुबकियां मारदा है ते अपार सुख दी प्राप्ति करदा है। इस तरह जिस तरह भवरा कमल दे फुल विच बंद हो के अपना आपा भुल जाता, इस तरह गुरसिख सत्संगत रूपी कमल विच महान सुख की प्राप्ति करता है। सुखां विच उहदे दिन रात बीतते हैं। गुर उपदेश ना विसरे बाबी हाथ आवै, पीर मुरीदां पिरहणी दुबदा ना सुखावै। फिर गुरु का सिख जिहड़ा गुरु के चरणों का भोरा बन गया उसनू कदे भी गुरु उपदेश अपने हिरदे तो नहीं विसरदा। जिस तरह बाबी हा प्रियो प्रियो पुकारदा है वह भी इस तरह हिरदे करके प्रभु के नाम विच लीन है। तो यह है पीर मुरीदा पिरहड़ी, गुरु के चरणों का प्रेम गुरसिखा दे मन विच। इहदे विच दुविधा का कोई थां नहीं, दुविधा की कोई गुंजाइश नहीं। भाव हर वेले वह प्रभु प्रेम के विच लीन रहिंदे हन। उन्हां नूं फिर संसार की मोह माया दा सेक नहीं लगता, मोह माया दिलेस मात्र भी उन्होंने हिरदे नूं नहीं छोड़ सकती। ऐसी उच्ची अवस्था सिमरन द्वारा प्राप्त हो जाती है। परे सरनयान सब त्याग अंतर प्रकाश अंदिन लिवला। हुण मन करके वह सारे ही संसार का त्याग कर देंदे हन। ये ठीक है गुरसिख नूं जो है संसारिक जीवन भी सतगुरां ने बख्शिया, परिवारक जीवन भी बख्शिया, पर जदों गुरसिख गुरु के चरणों का भोरा बन जाता फिर वह मन करके इस मोह माया का त्याग कर देता। उपरों उपरों अपनी अपना करतव समझ के वह इन्हीं भी परिवार का पालन करता है, पर मन कर करके वह परिवार दे मोह माया के बंधनों विचों निकल जाता। तो हुण उहदा परे सरन वह प्रभु दी शरण विच ही आ गया है। होर उसने मन करके सब कुछ त्याग दिता तो हुण उहदे अंतर विच चानण हो गया, उसनूं सोझी आ गई, उसनूं सारी जीवन का भेत पता चल गया। तो अंतर आत्मा विच हमेशा ही चानण है तो उहदी लिव प्रभु दे चरणां नाल हमेशा ही जुड़ी हुई है। तो इस तरह की उच्ची सुची अवस्था विच गुरसिख विचरदे हन, संसार दे कार्ज भी करते हैं, घर परिवार दे फर्ज भी निभाते हैं, पर प्रभु दे चरणों नाल उन्हों का मन अंतरी भाव जुड़िया ही रहिंदा, उस नालों कदे भी वखरे नहीं होंदे। सोठ महला पंजवां विच साहिब फरमाते हैं, इहो जी अवस्था का जिक्र करते हैं। प्रभ की शरण सगल भै लाथे, दुख बिनसे सुख पाया, दयाल हुआ पार ब्रह्म स्वामी, पूरा सतगुर ध्याया। प्रभु की शरण की अवस्था है ये, जदों इको मालक प्रभु ही अपने सिर उत्ते बख्शां दी चादर लैके खलोता रहिंदा, सारे ही दुख सारे ही भय खत्म हो गए, किसी तरह का हुण डर भौ नहीं रहा। प्रभु की दयालुता उहदी कृपालता दी रहमत हर वेले हो रही है, हर वेले पूरे गुरु के चरणों में गुरसिख जुड़िया होया है। प्रभ जीओ तू मेरो साहिब दाता, कर कृपा प्रभ दीन दयाला, गुण गाओ रंग राता। फिर मन विचों इसे तरह दियां सुरां गूंजदियां हन कि हे प्रभु तू ही मेरा साहिब है, तू ही मेरा दाता है, मेरे उत्ते कृपा कर, मैनू सब तो वड्डी दात बख्श। वो दात की है? गुण गावो रंगराता। मैं अंतर आत्मा करके पूरे मन नाल पूरी श्रद्धा भावना नाल तेरे गुण गावां,
ता को बिघन ना को लागे जो सतगुरे अपने राखे चरण कमल बसेर दे अंतर अमृत हर रस चाखे। यो जी अवस्था विच जदों नाम सिमरन दे विच मन जुड़िया होया है, मन प्रभु चरणां नाल पतीज गया है, हुण कोई रुकावट ही नहीं लगती किसी तरह की। और इत्थे रुकावट का भाव वाहिगुरु अकाल पुरख के रस्ते विच कोई रुकावट नहीं। सुनिया सत संतोख ज्ञान, सुनिया 68 का इशनान, सुनिया पढ़ पढ़ पावे मान, सुनिया लागे सहज ध्यान। प्रभु के चरणों नाल सहज ही ध्यान जुड़ गया है, हुण किसी तरह का कोई दूरी नहीं रह गई, कोई रुकावट नहीं रह गई। तो हर वेले मन चरणा कमलों विच वसदा है, तो प्रभु के नाम अमृत का स्वाद जिग्यासू चख रहा है, स्वाद लै रहा है। तो इस तरह की अवस्था ये उच्ची सुची नाम की अवस्था है। और इस अवस्था से पहुँच के फिर मन दे सारे भटकनावां, मन दियां सारियां वाशनावां, तृष्णावां, भुखां खत्म हो गई। हुण सदीवी तौर पर सुखां दे दाते, अमृत दे दाते, प्रभु दे चरणां नाल मन जुड़ गया है। तो इस तरह की सिमरन की अवस्था उस वाहिगुरु अकाल पुरख की बख्शिश द्वारा प्राप्त होंदी गुरसिख नूं। वड पागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए। ये सब तो उच्ची किस्मत है, सब तो उच्चे पाग हैं जदों मनुख परमेश्वर के नाम सिमरन दे विच जुड़ जाता है। तो फिर नाम सिमरन द्वारा उसनू नाम का रंग चढ़ जाता है, वो नाम के रंग विच रंगिया जाता, तो उसनों फिर सच्चे सुख की प्राप्ति होंदी है। जिन्हां सुखां पिछे मायावी सुखां पिछे मनुख सारी उम्र भजदा रहिंदा, जिन्हां लई उह अनेक हीले वसीले करदा है, हौली हौली उह सारे ही सुख उहदा साथ छड्ड के भज जांदे हन। इह शरीर दे सुख, मन दे सुख, इह कित्थे तक मनुख दा साथ दिंदे हन? जदों नैण प्राण नरोए हुंदे हन, मन की शक् शरीर की शक्ति कायम रहती है, उस वेले सुखा का मनुख भोग सकता इन्हों सुखा। पर ज्यों ज्यों उम्र पुगती जाती है, इंसान दियाँ मानसिक ते शरीरक शक्तियां खीण होंदियां जांदियां हन, ये सुख भी छड़दे जांदे हन। ते हौली हौली जीवन एक दुखां का बंजर बन जाता, सारे सुखां विच जी जी के माया दे धन पदार्थ प्राप्त कर करके अखीर जिंदगी वीरान हो गई। एक आधे सुख होए तो छलावा है, पर गुरु के चरणों नाल जुड़िया गुरसिख उहदी अवस्था इस तो बिल्कुल विपरीत है। उसने मन विच हर वेले प्रभु के नाम की वरखा हुंदी रहिंदी है, और ज्यों ज्यों वो प्रभु के सिमरन में जुड़दा त्यों त्यों होर सुख, होर सुख, होर आनंद, और आनंदमय अवस्था विच अखीर वो लीन हो जाता। तो यह प्रभु के नाम विच ही सच्चा सुख है। दुनिया के सारे सुख ते खुशियां इहदे सामने हेच हन, इहदे सामने व्यर्थ हन। तो अखीर वड्डियां भागां वाले वो जीव हन जिहड़े प्रभु के नाम विच जुड़े हन, ते सच्चे सुख दी जिन्होंने प्राप्त कीती। रामकली राग विच साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह अपने गुरु के चरणों की प्रीति, गुरु के चरणों के चरणामृत विच जो सुख प्राप्त होया उहदा जिक्र कर रहे हैं। जे वड पाग होवै वड पागी ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै। वड्डे ही भाग होण जीव दे मनुख दे तां उह प्रभु दे नाम दे रस्ते ते तुरदा है, नाम सिमरन शुरू करदा है। ते जदों नाम जपण लग जांदा है फिर उहनूं सुखां दी प्राप्ति होण लग जांदी है। उहदे सुखां दी कसौटी संसारक सुखां नालों बिल्कुल वक्खरी है।
हौली हौली नाम सिमरन द्वारा उन्हां सुखां दा इतना स्वाद आउण लग जांदा है कि वह नामे नाम समावे, नाम सिमरन करदा करदा नाम विच ही समा जांदा, वह नामी का ही रूप बन जांदा है। फिर उहदे विच ते प्रभु विच कोई भेद नहीं रह जांदा। गुरमुख भगत करो सत प्राणी, हिरदा प्रगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी। तो पातशाह उपदेश कर रहे हैं कि हे प्राणी, गुरमुख भगत करो, गुरु का उपदेश लैके गुरु के दसवे रस्ते ते तुरद्या होया प्रभु की भगती भी जुड़ो। जदों प्रभु की भगती भी जुड़ोगे, हिरदा प्रगास होवै लिव लागै, अंतरात्मा विच नाम का प्रकाश होएगा, तो लिव जिहड़ी है, सुरत जिहड़ी है, प्रभु के चरणां नाल जुड़ेगी। तो फिर अखीर गुरमत हर हर नाम समाणी, फिर गुरु की मत लैके तुहाडी जीवात्मा प्रभु रूपी परमात्मा दे विच समा जाएगी, नाम विच समा जाएगी, नाम विच लीन हो जाएगी। भगतां संतां महापुरखां नूं इस अवस्था की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने एलानिया किया है, अब तो जाए चढ़े सिंघासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक पए हैं, कौ न सकै पछानी। कि हुण मैं प्रभु दी गोद जाके बैठ गया हाँ, मैं प्रभु, मेरा मन रूपी पपीहा जिहदी पुकार करदा सी उहनूं प्राप्त हो गया है, हुण मैं तां राम एक हो गए हाँ, मेरे विच कोई फर्क नहीं रह गया। सो इस तरह नाल प्रभु की भगती नाल मनुख जिहड़ा है वह प्रभु का ही रूप हो जाता है, अखीर प्रभु विच समा के सदीवी सुख ते अमर जीवन की प्राप्ति कर लैंदा है। सो यह है प्रभु के नाम का रस, प्रभु की कृपा दृष्टि, जिहदे नाल जीवन की काया कल्प हो जाती है और जीवात्मा अपने असल पद नूं प्राप्त कर लैंदी है। तो सारे ही पद की संखेप विचार है, By God's gracious glance, there is great peace. Rare are those whom obtain the juice of the Lord's essence. Those who taste it are satisfied. They are fulfilled and realized beings. They do not waver. They are totally fixed to ever-flowing with the sweet delight of His love. Spiritual delight wells up within. In the Satsangat, the company of the holy, taking to His sanctuary, they forsake all others. Deep within, they are enlightened and they enter themselves on Him day and night. Most fortunate are those who meditate on God, O Nanak, attuned to the Naam, they are at peace. Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh.